क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी सिम से किसी को भी कॉल करो लेकिन उधर से कॉल नहीं आएगा, और अगर वो कॉल करने की कोशिश भी करता है तो या तो उसका कॉल कट जाएगा या फिर उसको सुनने को मिलेगा आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें, और कॉल कट जाए। तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए ना आपका सिम प्राइवेट होना चाहिए। अब प्राइवेट सिम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि अगर आपका सिम प्राइवेट है तो आप किसी को भी कॉल कर सकते हो, उधर से कॉल नहीं आएगा, और वो कॉल करने की कोशिश भी करता है तो या तो उसका कॉल कट जाएगा या फिर उसको सुनने को मिलेगा कि आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है, कृपया नंबर की जांच कर लें, और कॉल कट जाए। तो देखिए अगर आपको प्राइवेट सिम लेना है तो यहाँ पर आपको 1500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी नॉर्मल सिम को प्राइवेट सिम में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे कि आप इधर से किसी को भी कॉल करो लेकिन उधर से कॉल नहीं आएगा। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कि इसी टाइप का यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। मैं यहाँ पर आपको दो मोबाइल स्क्रीन दिखाने वाला हूँ, एक है नंबर 1 और एक है नंबर 2। एक चीज बता देता हूँ कि किसी भी सिम को यहाँ पर प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हम यहाँ पर कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं जिससे कि आपका सिम है जो प्राइवेट हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक नंबर से दो नंबर मोबाइल में कॉल करके दिखाने वाला हूँ, और दो नंबर से यहाँ पर एक नंबर मोबाइल में कॉल करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नंबर मोबाइल में नंबर डायल कर लेता हूँ। नंबर डायल करने के बाद मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉल यहाँ पर आ चुका है। तो अभी यहाँ पर एक नंबर मोबाइल से दो नंबर में कॉल जा रहा है। अब मैं आपको दो नंबर से यहाँ पर एक नंबर में कॉल करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर दो नंबर से एक नंबर में कॉल करता हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कॉल आ चुका है। मैं यहाँ पर आपको कॉल अटेंड करके भी दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉल अटेंड करने के बाद कॉल यहाँ पर अटेंड हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार और फर्स्ट नंबर मोबाइल से सेकंड नंबर पर कॉल करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉल यहाँ पर इजी मिल रहा है, यानी कि अभी यहाँ पर एक नंबर से दो नंबर में कॉल हो रहा है और दो नंबर से यहाँ पर एक नंबर में भी कॉल हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको प्राइवेट में कैसे करना है। तो प्राइवेट में करने के लिए आपको देखो क्या करना है, आपको सबसे पहले कॉल वाले सेशन आना है, यानी कि आप जहाँ से कॉल करते हो सबसे पहले आपको वहाँ पर आना है। कॉल वाले सेशन में आने के बाद आपको सबसे ऊपर यहाँ पर 3 डॉट देखने को मिल जाएंगी, तो सिंपल से आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको क्या करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप से यहाँ पर ऑप्शन है जो आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉलिंग अकाउंट का। मैंने यहाँ पर आपको दोनों डिवाइस में दिखा रहा हूँ, यानी कि आपके डिवाइस का सेटिंग अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं आपको दोनों डिवाइस में एक ही सेटिंग यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, कॉलिंग अकाउंट वाला जो ऑप्शन है आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इसके बाद फिर से आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों डिवाइस में यहाँ पर अलग अलग सेटिंग आ चुका है, यानी कि आपके डिवाइस में किसी भी प्रकार से सेटिंग आ सकता है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट नंबर मोबाइल में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको जो भी आपका सिम होगा, जो भी आपको प्राइवेट करना है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, उस सिम पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर सेकंड नंबर के मोबाइल में देखिए, अगर आपके सामने कुछ इस टाइप का सेटिंग आ रहा है तो इसके बाद आपको क्या करना है, एडवांस सेटिंग में यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप एडवांस सेटिंग पर क्लिक करोगे इसके बाद आपके सामने यहाँ पर फिर से दोनों मोबाइल में सेम ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग ऑप्शन देखने मिल जाएगा। सिंपल से आपको कॉल फॉरवर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और फिर से आपके सामने दोनों मोबाइल में एक से ही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑलवेज फॉरवर्डेड। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, ऑलवेज फॉरवर्डेड वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोनों डिवाइस में मैंने आपको क्लिक करके बता दिया। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर 10 अंकों का नंबर डालना है, यानी कि आपको 10 अंकों का कोई भी यहाँ पर नंबर डालना है जो कि रॉन्ग नंबर हो। यहाँ पर आपको वो नंबर डालना है जो कि उपयोग में ना हो, यानी कि आपको कोई भी यहाँ पर गलत नंबर डाल देना जो कि उपयोग में ना हो। तो यहाँ पर आप कुछ भी नंबर डाल सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर 00 डालते हो, यानी कि अगर आप यहाँ पर 00 डालते हो, आप जो भी सामने वाला बंदा कॉल करेगा तो वो सीधा उसका कॉल कट जाएगा, यानी कॉल नहीं लगेगा, और वो कॉल करेगा तो सीधा ही उसका कॉल कट जाएगा। और अगर आप उसमें कोई भी नंबर डालते हो, यानी कि कोई गलत नंबर डालते हो, तो उसमें वहाँ पर बोलेगा कि आपके द्वारा डायल किया गया नंबर गलत है या फिर उपयोग में नहीं है, कृपया नंबर की जांच कर लें। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा 00 डालने वाला हूँ, क्योंकि 00 डालने से तुरंत कॉल कट जाता है और उससे वहाँ पर लगता भी है कि ये सिम प्राइवेट है। 00 डालने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे इसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद आपका एक कॉल फॉरवर्डिंग है जो ऑन हो जाएगा। तो आपको सेम यही करना है जो कि मैंने आपको बताया है। अभी मैं दोनों डिवाइस में नहीं करने वाला, क्योंकि एक डिवाइस से मैं आपको कॉल करके भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेकंड नंबर डिवाइस में यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग ऑन किया है। अभी कॉल फॉरवर्डिंग ऑन करने के बाद मैं यहाँ पर फिर से बैक आ जाता हूँ, और बैक आने के बाद अभी मैं आप यहाँ पर कॉल करके बता देता हूँ सेकंड नंबर फ़ोन से आपको फर्स्ट नंबर फ़ोन पे मैं आपको कॉल करके दिखा देता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉल यहाँ पर ईजी यहाँ पर हो गया है, और मैं यहाँ पर कॉल अटेंड करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर कॉल भी अटेंड यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर कॉल कट कर देता हूँ।
कॉल कट करने के बाद अब मैं आपको फर्स्ट नंबर डिवाइस से सेकंड नंबर डिवाइस में यहाँ पर कॉल करके बताता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर डिवाइस से सेकंड नंबर डिवाइस में कॉल करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉल यहाँ पर कट गया है, यानी कि जैसे मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर सिंपल सा कॉल एंडेड आ रहा है, यानी कॉल यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो मैं यहाँ पर फिर से आपको कॉल करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ तो यहाँ पर सीधा ही कॉल यहाँ पर कट रहा है, यानी कि कॉल यहाँ पर नहीं मिल रहा। जैसे मैं यहाँ पर कॉल करने की कोशिश करता हूँ तो मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर कॉल करता हूँ तो आप यहाँ पर देखते हैं सीधा यहाँ पर कॉल एंडेड हो रहा है, यानी कि कॉल यहाँ पर नहीं लग रहा। इससे आपका सिम जो प्राइवेट हो जाएगा, यानी कि आप इसको इधर से किसी को कॉल कर सकते हो लेकिन उधर से कॉल नहीं आएगा। तो अभी देखिए अब आपको इसको ऑफ कैसे करना है, यानी कि अभी तो आपका सिम प्राइवेट हो गया लेकिन आपको अभी इसे बंद कैसे करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको कॉलिंग अकाउंट में जाना है। कॉलिंग अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आपको फिर से कॉल फॉरवर्डिंग में जाना है। और यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग जाने के बाद आपने जो कॉल फॉरवर्डिंग यहाँ पर चालू किया था आपको सिंपल सा उसको यहाँ पर बंद कर देना है। तो ऐसा करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी टाइप का यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।